मौलाना तौकीर रजा खान की गिरफ्तारी के ऐलान के बाद शुक्रवार से बरेली में सांप्रदायिक माहौल खराब हो गया। उद्योग, व्यापार और छोटे मोटे कारोबारी दहशत में आ गए। इससे पहले भी IMC प्रमुख के आयोजित कार्यक्रमों के बाद दंगे भड़के थे। शुक्रवार को श्यामगंज बाजार में हुए पथराव, तोड़फोड़ और मारपीट से कारोबारी बेहद डरे हुए हैं। दरअसल व्यापारी वर्ग ने रजा खां पर नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई करने की और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की मांग उठाई है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने श्यामगंज बाजार के कार्यालय में बड़ी सभा का आयोजन किया। इसमें व्यापारियों ने शुक्रवार को ही घटना पर तीखी नाराजगी जताई। सबका कहना था कि मौलाना तौकीर रजा खां के कार्यक्रम से लौट रहे लोगों ने बाजार में उपद्रव किया, दुकान लूटने की भी कोशिश की। इससे कारोबारी दहशत में है। इससे पहले भी बरेली में दंगे हो चुके हैं जिससे काफी कारोबार प्रभावित हुआ था। ऐसी घटनाओं से उद्योग धंधे चौपट हो जाते हैं, इसलिए इनके प्रमुख कर्ता धर्ताओं पर कार्रवाई जरूरी है। कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ भड़काऊ बातें कहने का आरोप लगाया गया। योगी सरकार और प्रशासन से मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल बीती 9 फरवरी को ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने पहले ही कहा था कि उनका सरकार और सरकारी एजेंसियों और कोर्ट से विश्वास उठ गया है। उन्होंने कहा था कि वो 9 फरवरी को अपनी गिरफ्तारी देंगे, जिसको लेकर मौलाना तौकीर रजा अपने पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत जुम्मे की नमाज पढ़ने गई। अगले दिन नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा ने मीडिया से बात की और भाषण दिया। इससे बरेली में माहौल खराब हुआ। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल कार्यकर्ताओं ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा खान माहौल खराब करना चाहते हैं। वो लोगों को भड़का रहे हैं। व्यापार मंडल की मांग है कि उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो, रासुका लगाया जाए और मौलाना तौकीर जैसे उपद्रव को बढ़ावा देने वाले सुरक्षा को वापस लिया जाए। 9 फरवरी को मौलाना के कारण जो फोर्स लगाई गई, धन खर्च हुआ, बाजारों को बंद करना पड़ा, इन सब का मुआवजा मौलाना से वसूला जाए, ऐसा व्यापार मंडल कार्यकर्ताओं ने कहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।